यही सब करना रहता है। बाय भाई बहनों जेशु, मैं फिर आज रोजलिन दास आपके सामने ईश्वर के वचनों को लेकर ईश्वर के अनुग्रह से ईश्वर की महिमा के लिए और आप सबों के प्रोत्साहन के लिए। आज जो मैंने विषय लिया है भाई बहन, वो है प्रार्थना ही उत्तर। इसके लिए मैंने बाइबल से वचन लिया है याकूब 5:5 उसका पद संख्या 13। यदि तुम में कोई दुखी हो तो वह प्रार्थना करे। आज संसार में शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो अपने आप को प्रसन्न कहे। यदि वह ऐसा कर रहा है तो हो सकता है शायद वह झूठ बोल रहा हो, या वह अपनी उन परिस्थितियों को छुपाने की कोशिश कर रहा हो जिसे वह भोग रहा है। ये बातें वे ही व्यक्ति कहते हैं जिन्हें मालूम है कि वे इस परेशानी से नहीं निकल सकते, लेकिन वे प्रार्थना नहीं करते। जैसा कि याकूब वचन में लिखता है कि तुम में कोई दुखी हो तो प्रार्थना करे। अधिकतर लोग प्रार्थना क्यों नहीं करते? इसके दो कारण हैं। पहला है बाइबिल को ना पढ़ना या निरंतर ना पढ़ना। बाइबिल को निरंतर ना पढ़ने से हम अल्पविश्वासी हो जाते हैं। हम जानते हैं आज व्यक्ति सांसारिक जीवन में इतना ज़्यादा व्यस्त हो चुका है कि वह अपने परिवार के लोगों से भी बात नहीं कर पाता। तो फिर बाइबल पढ़ने और उसके वचनों को अपने जीवन में उतारने की बात तो बहुत कठिन लगने लगती है, और इसी कारण वह अल्पविश्वासी हो जाता है। वह अपने परमेश्वर पर कम और अपने आप पर व इस संसार में उन सभी साधनों पर ज़्यादा भरोसा करता है जो उसकी समझ में इन समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं। दूसरा है विश्वासपूर्ण प्रार्थना। विश्वासपूर्ण प्रार्थना हम तभी कर पाएंगे जब बाइबल का निरंतर अध्ययन करेंगे। एलिया भी हमारे जैसे ही स्वभाव का मनुष्य था। उसने वर्षा ना होने के लिए प्रार्थना की और 3.5 वर्ष तक इस पृथ्वी पर वर्षा नहीं हुई। यह सब इसलिए हुआ कि उसने विश्वास किया और विश्वास से प्रार्थना की और उसकी प्रार्थना सुनी गई। विश्वासपूर्ण प्रार्थना हम तभी कर पाएंगे जब हम वचनों में अपना ध्यान लगाएंगे कि एक ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जिसने हम सबों को और इस सृष्टि को बनाया है। वचन बताता है कि धर्मी जन की प्रभावशाली प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। प्रार्थना के द्वारा सब कुछ संभव है। भाइयों बहनों, प्रार्थना के लिए मैंने और कुछ थोड़े वचन लिए हैं बाइबल से, जो इस प्रकार हैं। पहला वचन मैंने लिया है मत्ती रचित सुसमाचार से, उसका 7:7 उसका 7:7। मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। और दूसरा वचन भी मैंने मत्ती रचित सुसमाचार से ही लिया है, उसका मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18:18 और उसका 19। मैं तुमसे यह भी कहता हूँ, यदि पृथ्वी पर तुम लोगों में 2 व्यक्ति एक मत होकर कुछ भी मांगेंगे तो वह उन्हें मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से निश्चय ही मिलेगा। इसी प्रकार मत्ती रचित सुसमाचार से मैंने फिर लिया है वचन 21 और उसका 22। जो कुछ तुम विश्वास के साथ प्रार्थना में मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। फिर मार्कुस रचित सुसमाचार उसका 11 और 24। मैं तुमसे कहता हूँ, तुम जो कुछ प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हें दिया जाएगा। इसके बाद मैंने कलुसियों की पुस्तक से लिया है 4 और उसकी 2। आप लोग सजग होकर प्रार्थना और धन्यवाद में लगे रहें। और फिर मैंने लिया है 1 पेत्रोस उसका 3
और पद संख्या 12। प्रभु की कृपा दृष्टि धर्मियों पर बनी रहती है और उसके कान उनकी प्रार्थना सुनते हैं, किंतु प्रभु कुकर्मियों से मुंह फेर लेता है। फिर मैंने लिया है यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका अध्याय 14 और पद संख्या 13 और 14। तुम मेरा नाम लेकर जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा, जिससे पुत्र के द्वारा पिता की महिमा प्रकट हो। यदि तुम मेरा नाम लेकर मुझसे कुछ भी मांगोगे तो मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। फिर मैंने लिया है प्रवक्ता ग्रंथ से, उसका अध्याय 33 और पद संख्या 1। जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है उस पर विपत्ति नहीं पड़ेगी। प्रभु हर संकट में उसकी रक्षा करेगा और उसे सब बुराइयों से बचाएगा। फिर मैंने लिया है लूकस रचित सुसमाचार, उसका अध्याय 18 और पद संख्या 27। ईसा ने उत्तर दिया, जो मनुष्यों के लिए असंभव है वह ईश्वर के लिए संभव है। फिर मत्ती रचित सुसमाचार, उसका अध्याय 18 और पद संख्या 20। जहाँ दो या तीन मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहाँ मैं उनके बीच उपस्थित रहता हूँ। भाइयों बहनों, इस प्रकार मैंने ये आज बाइबल से कुछ वचन लिए हैं प्रार्थना के लिए, और प्रार्थना ही उत्तर है और प्रार्थना की शक्ति, इसके द्वारा हम प्रार्थना कर सकते हैं। भाई बहनों, वचनों में बहुत बड़ी शक्ति है, और इन वचनों को लेकर आप मनन करिए, चिंतन कीजिए, प्रार्थना कीजिए। आपको जो भी दुख है, तकलीफ़ है, जो भी समस्याएं हैं, और आज तो सारी दुनिया बहुत भारी बड़े इस महामारी से परेशान है भाई बहनों, और सभी लोग डरे हुए हैं। आप इन वचनों को लेकर प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु ज़रूर आपकी सहायता करेंगे। प्रभु प्रार्थनाओं को सुनते हैं और वचन में बहुत बड़ी शक्ति होती है। भाई बहनों, आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे। पिता परमेश्वर, हम निरंतर आपकी उपस्थिति में, आपकी सहभागिता में बने रहने वाले हो सकें, हम वचन को पढ़कर एवं विश्वासपूर्ण प्रार्थना के साथ आपके सिंहासन के नज़दीक आ सकें और आपकी आशीषों को पाने वाले हो सकें। आमीन। भाई बहनों, आज जो मैंने आप लोगों के साथ वचन लिया है, इन वचनों को आप ज़रूर पढ़िए, इससे आप लोगों को बहुत मदद मिलेगी और आप कई समस्याओं से, कई रोगों से, बीमारियों से आपका निवारण होगा। आप प्रार्थना कीजिए, वचन पढ़कर प्रार्थना कीजिए। मैं यही आपसे, और फिर मैं अगली वीडियो में आपसे वचनों को लेकर फिर मैं आपसे मिलूँगी। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहती हूँ। धन्यवाद। जय शुभ भाई।